हम लोग आए सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए, पर देख रहे हैं जैकेट ले लेकर। हाँ लेकिन लेंगे, अभी नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी और ठंड आएगी जब लेंगे जैकेट, लेकिन अभी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए हैं। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, नमक, थैंक यू। नहीं, हम मार देंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ब्लॉग। तो गाइस स्विच कैसे का टाइम हो रहा है 9:20, और गाइस मैं स्कूल तो नहीं गया हूँ, स्कूल तो मैं जाऊँगा 2 दिन बाद। और गाइस आज तो मैं डर गया था, क्योंकि जब मैं सो रहा था तो मम्मी एकदम से मोबाइल लेकर मेरे मुंह पे वैसे मोबाइल ब्लॉग बना रही। मैंने कहा मैंने पहले सोचा नहीं उठ रहा। फिर जब मैंने आँखें खोली देखा मोबाइल, हमने कहा जा यार यहाँ से, यार हमें सोने दो यार, वैसे अभी तो सोने मिल रहा है। तो हमने उठा दिया था, फिर हमारी नींद नहीं लगी, फिर हम उठ ही गए थे। हमने कहा अब कौन सोएगा, अब तो नींद नहीं आने वाली। फिर हम उठ गए और ब्लॉग भी स्टार्ट कर दिया। और गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं पापा और हम मस्त पनीर लेने के लिए। पनीर आज बनने वाली है, क्या बनने वाली है अम्मा? पालक पनीर। तो चलो चलते हैं, मस्त सैंडल पहनते हैं, रेडी हो चुके हैं। यो चलो जल्दी से चलते हैं। आज तो रुद्र भैया के स्कूल में गरबा है, भैया को गया है गरबा कर रहे हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर पनीर लेने के लिए, और वहाँ पे देखो गाइस हर जगह पे माता रखी हुई है, पर हम लोग आने वाले हैं रात को माता देखने। तो वो आप लोग देखना, मतलब अगले ब्लॉग में डालेंगे माता देखने जब हम लोग जाएंगे। लेकिन ये देखो पनीर ले लिया है, और वहाँ पे देखो गाइस हम आपको दिखाते हैं, पापा वहाँ पे पता नहीं कौन से बातें करने में लगे और मेरे को यहाँ छोड़ दिया। मैं बोर हो रहा हूँ, पता नहीं कब तक जाएंगे घर। गाइस हम लोग आए हैं यहाँ पर जैकेट्स देखने के लिए, पर हमने सोचा कि चलो, नहीं पापा ने बोला कि चलो थोड़ा व्लॉग बना लेना, यहाँ पर हमारे यहाँ तिब्बती आए हुए हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है आ जाते हैं। तो यहाँ पे मस्त जैकेट पहन के देख रहे हैं भाई, जैकेट तो सही है पर अभी नहीं लेंगे जैकेट। जैकेट जब लेंगे जब ठंडी का मौसम आ जाएगा, अभी तो थोड़ी थोड़ी कम ठंडी है, जब बहुत तेज़ ठंडी पड़ेगी जब लेंगे। तिब्बती वाली आंटी तो देखो, मुस्कुराहट तो देखो आंटी की, फूले ना समा रही आंटी देखो तो। हमें तो भैया देखो यहाँ पे सारी दुकानें लगी हुई हैं लाइन से, पहले ये कहीं और लगती थी लेकिन अब यहाँ पर लगने लगी हैं। आंटी की तो मुस्कुराहट ही हमें मस्त लग रही है, आंटी बहुत मुस्कुरा रही है देखना, अभी मुस्कुराएंगी थोड़ी देर में। हमें तो जैकेट ही पसंद नहीं आ रही यार, हमें ये वाली जैकेट अच्छी लगी पर ये बहुत छोटी है, और आंटी तो निकाल के देती जा रही हैं, मस्त है भाई। हम अपने लगे हुए हैं कि देखो पापा ऐसी ऐसी ले लो, ये हमने वॉइस ओवर करा है क्योंकि वहाँ पर शर्म आती ना ब्लॉग में आवाज़ डालने में। गाइस यहाँ पर हम लोग पनीर तो ले आए हैं और मम्मी को दे दिया। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, नमक, थैंक यू। नहीं, हम मार देंगे। हाँ आप सही है, खा लो सब बाट से खाओ, अकेला अकेले खा रहे हैं, पापा तो साथ हैं, तो सब ने कर आएगा चटोरू घर पर तेरे पापा भी। चुपचाप बना सब्जी, गाइस मस्त सब्जी तो बन जाएगी अगर बच गया। अगर बच गया खा लो, हमें नहीं खाना, अच्छा नहीं लगा नमक के साथ, बिना नमक के अच्छा लगता। आप ही खाओ, जल्दी बनाओ मेरे को भूख लगी, फटाफट बनाओ पनीर की सब्जी, आप लोग दिखाएंगे गाइस। अच्छा पापा, अरे यार तो फिर बड़ी बेकार बनने वाली है, क्योंकि पापा इतने सारे मसाले भर देते हैं, इतने सारे मसाले के अच्छी नहीं लगती, पत्ते मत्ते पता नहीं, लकड़ी मकड़ी के टुकड़े पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। गाइस ये जो गरबा हो रहा है, ये रुद्र के स्कूल में गरबा हो रहा है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ रुद्र कहाँ है, अगर आप लोग को नहीं दिख रहा तो मैं एरो लगा देता हूँ। लगा दिया गाइस मैंने एरो, देखो वही था रुद्र जहाँ पे मैंने एरो लगाया था ना। और देखो गाइस सब लोग अपना अपना गरबा लगे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे प्यारे प्यारे से, आए हाय क्या डांडिया खेल रहे हैं यार इस मतलब वो जो तहसीलदार में गरबा कर रहे थे उनसे अच्छे तो ये लोग गरबा कर रहे हैं। रुद्र भी अपना लगा हुआ है, वाह ए गोल गोल रानी। मैं इसमें अलग गाना डालूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकती है ना, इसलिए। मस्त भैया अपना गरबा कर रहा है यार, भैया कहता है घर पे करके दिखा रहा था, मैंने वीडियो नहीं बनाई पर भैया घर पे गरबा कर रहा था। और ये जो वीडियो बनाई ना
ये रुद्र की मैम ने बनाई है, हम लोग को तो अलाउ नहीं था स्कूल जाना, इसलिए भैया की मैम ने, मतलब भैया की मैम ने बना दी थी वीडियो। गाइस यहाँ पर अपनी मस्त पनीर की सब्जी बनकर आ चुकी है और रोटी भी बनकर आ चुकी है और सेट भी बनकर आ चुकी है, मतलब बनकर नहीं आई गाइस, ये जो मेरी सेट है ना ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुकी है, जब मैं छोटा था ना जब ये सेट थे और मेरे को अभी छोटी होने लगी, तो मम्मी कह रही थी पहन के देखो, तो मैंने कहा अभी बाद में पहनेंगे इसको, यहीं रख रहे ना, तो मैंने कहा पहले खाना खा लेता हूँ। तो पापा ने बनाई तो आप टेस्ट करके देखते हैं, ज़्यादा मसाले दिख तो नहीं रहे हैं इसमें। अरे हाय मज़ा आ गई, मज़ा आ जाएगी मज़ा। पनीर का पीस ही खाएंगे सबसे पहले, ये पनीर का पीस। एक नंबर है गाइस, एक नंबर। आप लोग भी खा लो आके, अगर भूख लग रही हो तो, नहीं लग रही तो भी आ जाओ खा लो, पर जब तक आप लोग आओगे तब तक ख़त्म हो जाएगी। तो गाइस इसको खाते हैं फिर बाद में आप लोग से मिलते हैं। टेस्टी टेस्टी, भूख लगी थी बहुत तेज, और कोई अच्छी चीज़ बनती तो टाइम लगता है बनने में, इसलिए। गाइस तो हम लोग यहाँ पर रेडी हो चुके हैं गरबा देखने जाने के लिए, और गाइस आज तो पापा भी जा रहे हैं, और मेरा ड्रेस अब कैसा लग रहा है आप लोग ये बताइए। जल मम्मा भी मस्त है, ओहो गरबा वाली ड्रेस पहनी है आज तो, गरबा वाली मम्मा अच्छी लग रही। हाँ अब सही लग रही, तो चलो जल्दी से चले, नहीं तो भैया देखो आज तो 9 बजने वाले हैं। भैया पापा का मोबाइल लेके चलो, पापा को दे देना। हाँ लो, अच्छा स्कूटी से चल रहा है, लो ये तो ले लो, हम जेब में रख ले रहा है। जल्दी चलते हैं गाइस, सैंडल पहन के, अपनी सैंडल सैंडल्स। यो गाइस हम लोग आ चुके हैं नीलकमल गार्डन पर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए ज़्यादा हम लोग नहीं रुकेंगे, हम लोग थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं फिर उसके बाद जाएंगे हम लोग वापस तहसील ग्राउंड, क्योंकि वहाँ पे अच्छी व्यवस्था रहती है, मस्त बैठने की व्यवस्था रहती है, कुर्सी पे बैठो मस्त और देखो गरबा, तो आप लोग इन्जॉय करो गरबा। गाइस यहाँ पर गरबा हो रहा था और यहाँ पे मिल चुकी है हम लोग की मुनमुन मौसी, और ये मुँह छुपा रही है पर कोई बात नहीं मामिया, अरे मौसी आपका मुँह नहीं आएगा अच्छे से लाइट के कारण, देखो देखो अब नहीं छुपा रहा। गाइस ये है तहसील ग्राउंड का, और अब यहाँ पे हो रहा है डांडिया, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं गरबा में, पता है नहीं तो डांडिया होता ही नहीं है, आज हम लोग लेट तक रुके रहे ना भाई, पता है 10 से ज़्यादा हो गया है इसलिए यहाँ पे डांडिया हो रहा है, अब लास्ट मतलब सबसे लास्ट में होता है डांडिया, इन्जॉय करो गाइस, गरबा है गाइस, नवरात्रि हर बार थोड़ी ना आएगी।
गाइस तो घर आ चुके हैं और गाइस गरबा देखकर तो बड़ी मजा आ गई गाइस। मैं तो सोचता हूँ कि हर दिन जाऊँ गरबा देखना और पूरा लास्ट तक देखता रहूँ। क्या देख रही हो? क्या आपको मजा नहीं आती गरबा देखने में? आती है ना, मन करता है ना करने का। गाइस जब मैं छोटा था तो मैं छोटे में दीदी के साथ करता था गरबा क्योंकि है सुनेडो, हाँ सुनेडो करते थे गाइस। पता है सुनेडो होता था पहले, मतलब अभी भी होता है, उसमें कुछ भी करते हैं, लड़के भी कर लेते हैं डांस, मतलब गरबा, तो उसमें कर लेते थे हम भी जाके सुनेडो 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 तो गाइस ये सब बातें बाद में करेंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को एंड कर दे गाइस। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग के लिए लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल से एक ब्लॉग, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।